गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल APS व्लॉग्स। आज है 1 दिसंबर और दिसंबर के पहले दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक राइड से। मैं अभी हूँ ग्वालियर में और अभी बज रहा है सुबह का 10। राइड की स्टार्टिंग मुरैना से हुई थी, लेकिन ब्लॉगिंग जो ब्लॉग बन रहा है वो ग्वालियर से बन रहा है। अभी मैं हूँ ग्वालियर से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ आज खंडवा। खंडवा मुरैना से लगभग 620 किलोमीटर के आसपास है और अभी बज रहा है सुबह का 10:30। देखते हैं कितना कवर हो पाता है। ग्वालियर से खंडवा का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जो मैं उस समय मैं अपनी मतलब कार से गया था, तो वो आप ब्लॉग आप देख सकते हैं, आई बटन पे आ रहा होगा। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से, तो चलिए राइडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज बादल हैं, बारिश भी हो सकती है और देखेंगे जो भी होगा जैसा भी होगा। तो हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है ग्वालियर से, और ये जो रोड है ये पुराना वाला जो AB रोड कहलाता था वो है। ग्वालियर बाईपास से नहीं आया मैं, शहर में अंदर घुस के आया था। और ये रोड पूरी बहुत बढ़िया बन गई है। ये हाईवे पे पहुंच गए हम लोग, और ये हाईवे के वीडियो मैं कई सारे बना चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे शिवपुरी, गुना, ब्यावरा होते हुए पचोर से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, फिर मुझे सुजालपुर और आष्टा होते हुए कन्नौज होते हुए खंडवा पहुँचना है। ये शिवपुरी का बाईपास है, और ये बाईपास मैंने एक बार चेक किया था, लगभग 17-18 किलोमीटर लंबा है। और ये सीधे शिवपुरी को जाती है रोड, और हम जा रहे हैं सीधे शिवपुरी शहर के अंदर से, क्योंकि अंदर की सड़कें मुझे आपको दिखानी है, अंदर की सड़कें कैसी हैं। और बड़ी तारीफ सुनी है मैंने कि अंदर की सड़कें बहुत अच्छी बना दी गई हैं, तो हम शिवपुरी शहर से जा रहे हैं। मैं इस रोड पे कई बार आया गया हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो शिवपुरी शहर में होती थी, क्योंकि शिवपुरी शहर इतनी ख़राब सड़कें थी, इतने ज़्यादा गड्ढे थे, इतनी ख़राब सड़कें थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। अब चलते हैं शिवपुरी शहर के अंदर और देखते हैं कि सड़कें कैसी हैं। तो हम आ गए हैं शिवपुरी शहर से बाहर। ये जो ट्रक्स आ रहे हैं ये बाईपास से आ रहे हैं, और यहाँ पर हम मिल जाएंगे अपने हाईवे पे। तो ये बेहतरीन रोड बनाई है शिवपुरी शहर के अंदर, शानदार रोड बनाई है, बहुत ही शानदार। थैंक यू शिवपुरी, थैंक यू। अभी मैं गुना से लगभग 20-22 किलोमीटर पहले हूँ, रुका हुआ हूँ। थोड़ी ठंड लग रही थी तो जैकेट के अंदर थर्मल लाइनर लगा लिया है, और GoPro की बैटरी चेंज करी है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी थोड़ी सी हो रही है। तो गुना शहर में होके निकलूँगा मैं, क्योंकि गुना का जो बाईपास है, एक तो 4 लेन नहीं है, दूसरा वहाँ इतने सारे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। ज़्यादा लंबा बाईपास नहीं है, लेकिन स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं शहर में होकर निकलने वाला हूँ। अभी बज रहा है दिन का 2, और अब देखते हैं शाम होने तक हम कहाँ पहुँच पाते हैं। जहाँ पर शाम हो जाएगी थोड़ा बहुत चलाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से और सिटी में होकर निकलूँगा मैं, और हो सकता है बारिश की वजह से GoPro में मुझे माइक निकालना पड़े और उसको वाटरप्रूफ बनाना पड़े, जो भी होगा देखते हैं, चलते हैं। ये गुना का बाईपास है राइट साइड में, और मैं जाने वाला हूँ सीधे अंदर सिटी में होके। गुना शहर की सड़कें भी अच्छी हैं, तो पहले से ही अच्छी थी। तो गुना शहर से बाहर आ गए हैं, और अब आ गए हम गुना ब्यावरा हाईवे पे। इसका वीडियो मैंने बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। गुना ब्यावरा हाईवे का जो वीडियो है उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस आई बटन पे। गुना से निकलते ही गाड़ी में रिजर्व लग गया था, तो अभी पेट्रोल टैंक फुल कराया है। 11 लीटर आया है पेट्रोल, 11.09 और 1199 रुपये, यानी 108.20 रुपये। अभी भी MP में पेट्रोल बहुत महंगा है। तो यहाँ से बहुत ही शानदार हाईवे है ये, बहुत ही शानदार। मेरा वो वीडियो आप ज़रूर देखें एक बार, गुना ब्यावरा हाईवे वाला। हालांकि वो भोपाल तक है, लेकिन मस्त हाईवे है, मस्त। ये
ब्यावरा शहर है। ब्यावरा से पचोर लगभग 20 किलोमीटर है, 18-20 किलोमीटर। तो गुना ब्यावरा हाईवे मस्त था, और जो ब्यावरा से देवास फतेहगढ़ इंदौर वाला जो हाईवे सीमेंटेड है वो भी बहुत बढ़िया है। ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है। देवास 145, उज्जैन 146, लेकिन हमें तो पचोर तक जाना है। ये अब आ गई सीमेंटेड रोड, पचोर 23 है, तो 23 किलोमीटर जाना है फिर लेंगे लेफ्ट टर्न। सुजालपुर के लिए लेफ्ट लेना है, सुजालपुर देवास के लिए सीधे जाना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं क्योंकि हमें सुजालपुर होते हुए जाना है। ये ले लिया हमने लेफ्ट। सुजालपुर से बाहर आ गए हैं, और सुजालपुर शहर अच्छा था, उसकी सड़कें भी बहुत अच्छी थीं, और पचोर से लेके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब आस्था यहाँ से 44 किलोमीटर है, तो 44 अभी अंधेरा पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन अब गोप्रो के फुटेज बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाले हैं, अंधेरे में गोप्रो काम ही नहीं करता ढंग से। तो आस्था पहुँच के मिलते हैं और देखते हैं आस्था से आगे जा पाते हैं या नहीं। आस्था पहुंच गया हूं मैं, और अब यहीं पे कहीं कोई होटल देखूंगा और फिर वहीं स्टे करूंगा और यहां से सुबह निकलूंगा। अभी इसका हॉर्न भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो भी दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 2 तारीख और मैं सुबह से वेट कर रहा था निकलने का, लेकिन वो बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो निकल नहीं पाया। अभी निकला हूँ 1 घंटे पहले वहाँ से, तो गोप्रो से रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई क्योंकि बारिश हल्की फुल्की चली रही थी। और अभी सतवास पहुंच गया हूं, यहां से इस तरफ मेरे को जाना है पुनासा होते हुए। पुनासा के बाद मुंडी एक जगह है, मुंडी के आसपास भाई साहब मेरे बड़े भैया रहते हैं, वहां उनकी कॉलोनी है, तो वहां पहुंचूंगा मैं। तो रास्ते में अभी यहां से मैं गोरपुर लगा लिया है, अभी बारिश बंद है तो देखते हैं कहाँ तक रहती है, और रास्ते में यहाँ के जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, यह है मेरी बाइक और मौसम आप देख रहे हैं कैसा है। सतवास से आगे निकला हूँ, और सतवास तक रोड बहुत बढ़िया थी, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक तो जानवर बहुत सारे थे, मतलब गाय ढेर सारी थी रास्ते में, और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। गोप्रो में जब माइक लगा होता है तो वो वाटरप्रूफ नहीं होता है, इसलिए वो निकलना पड़ गया मुझे। अभी बारिश बंद है लेकिन 2-4 बूंदें टपक जाती हैं। ये इंदिरा सागर बांध परियोजना है, इंदिरा सागर डैम है ये पूरा का पूरा, और ये पावर प्लांट है, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा, क्या बात है, क्या खूबसूरत जगह है। ये पुनासा है, ओमकारेश्वर के लिए राइट साइड में जाना पड़ेगा, हमें जाना है लेफ्ट। मैं अभी पुनासा में हूँ, पुनासा अभी जो लेफ्ट टर्न लिया है मैंने पुनासा से, वो आगे मुंदी जाएगा, मुंदी इस तरफ मुझे जाना है, लगभग 25 किलोमीटर दूर जाना है, फिर वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आएगा जिससे हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी कॉलोनी की तरफ हम लोग पहुँच जाएंगे। ये थर्मल पावर प्लांट है सामने, यहाँ धुंध में दिख नहीं रहा लेकिन आपको वो लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही होंगी। तो राइट में जाएंगे तो मुंदी, बीड, और ये जो बोर्ड दिख रहा है सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हनुमंतिया रिजॉर्ट 13 किलोमीटर है इधर साइड में, नागरबेड़ा आइलैंड बोर्ड द्वारा 16 किलोमीटर इस साइड में, और संत श्री सिंगा जी महाराज समाधि स्थल 14 किलोमीटर सामने। तो अभी हमको सामने 5 किलोमीटर और जाना है तो हम अपने घर पहुँच जाएंगे। पहुंच गए, ये हमारी भाभी जी हैं, ये चरण स्पर्श। बड़े सामान पैक करके लाए, ऐसा ही है, अपन नहीं चलते हैं।
तो भाइयों मैं पहुंच गया हूं, आज के ब्लॉग को हम यही अंत करते हैं। ये हमारा भैया का क्वार्टर है नीचे वाला, बाकी जानकारी आपको कल देंगे। आज का ब्लॉग यहीं खत्म।